ये हमारा इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, ये देख सकते हैं आप studyforcivil.services, ठीक है, instagram.com के बाद /studyforcivil.services, ये हमारा ऑफिशियल पेज है। ये यूपीपीसीएस के जो एग्जाम है पीसीएस और आरओ, उसके छात्र बड़े परेशान हैं इस समय, और बिल्कुल उनकी वजह भी साफ है कि कैलेंडर नहीं आ रहा है, डेट नहीं जारी हो रही है। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि upppsc.up.nic.in है, और इसका फायदा उठा के कई लोग जो है तरह तरह की डेट बता रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन आप लोगों का लाजमी है। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल सलाह यही है कि आपको चाहे मैं कह दूँ चाहे कोई भी कह दे, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upppsc.up.nic.in, थोड़ा सा वेट कर लो यार, थोड़ा पेशेंस रख लो ना, काहे इतने जो है उतावले हो जा रहे हो। अरे एक आध दिन में आ ही जाएगा कैलेंडर, काहे परेशान हो, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा अपना बीपी मत बढ़ाइए, आराम से रहिए। डेली मैं देखता हूँ कि फेसबुक में जो है कम से कम 400-500 मैसेज इसीलिए आए जा रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप में जो है हजारों मैसेज, इंस्टाग्राम में भी चालू किया उसमें तक मैसेज दे रहे हैं लोग। तो ये देखिए, मैं आपको क्या लगता है कि मतलब मैं कोई जो है आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उनका मैं भतीजा हूँ क्या कि वो मुझे कॉल करके बता देंगे? कई बार इन्फॉर्मेशन होती है सचिवालय के अंदर रहती है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि वो सचिवालय की जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक सीक्रेसी रहनी चाहिए जब तक वो आधिकारिक तौर पर ना जारी की जाए, और आयोग ने एक बार ऐसा नोटिस भी दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसा लीक कर देते हैं, उन्हीं की वजह से समस्या हो जाती है कई बार छात्रों को, ठीक है। और जब भी डेट हो, मैं तो ये कह रहा हूँ जब भी डेट हो, ठीक, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, अरे आप पढ़ाई करते रहिए, यही वाला टाइम है, यही टाइम है, अगर आपका निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इसी टाइम आपने पढ़ाई कर ली तो आराम से फिर लिस्ट में नाम होगा, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप पढ़ाई करना चालू करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपके लिए सारे जो है बना रखे हैं बिल्कुल फ्री में, आरओ के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी वीडियोस से कर सकते हैं। अभी आपने बीपीएससी का रिजल्ट देखा होगा 64th में, कई छात्रों का उसमें यूट्यूब से पढ़ पढ़ के सिलेक्शन हुआ, जो सोच मैं शुरू में मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ पढ़ के लोग सिलेक्शन लेने लगेंगे। कई लोग मजाक उड़ाते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, भैया ऐसा हुआ है। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि आपको पढ़ना है, पढ़ते टाइम पढ़ना है, सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है इसमें, ये नहीं कि जो है आप मान लीजिए हार्ड कॉपी बुक लिए बैठे हैं 400 पन्नों की और उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, उसने गाड़ी खरीद ली, मेरी गर्लफ्रेंड उधर जो है उसके साथ भाग गई, उसने उसको जो है प्रपोज कर दिया, ये सब चीज़ें चल रही, तो क्या पढ़ाई करोगे आप? भले ही आप देखिए यूट्यूब में और इसमें क्या होता है, आप एक जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है वो काफ़ी जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आप कोई आपको याद ने देखा होगा कई सारे मूवी के कुछ कुछ छोटे छोटे सीन हमेशा याद रह जाते हैं, तो बस ये वही चीज़ है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना पढ़े आप लोग जो है सिलेक्ट हो जाओगे, मैंने ये कहा कि यूट्यूब के वीडियो में मेहनत करनी पड़ेगी, इतने हलवा नहीं है कि वो वीडियो देखना भी, वीडियो जो पापा वीडियो हम बनाते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और बस उस पर कमेंट कर देना कि पापा वीडियो वाले ये वाले वो वाले, बिल्कुल जो है 2 सेकंड का काम है, लेकिन उतना क्वालिटी प्रोडक्ट देना जिससे सही बात जो है सिलेक्शन हो सके, वो एक मेन चीज़ है, वो हम कर चुके हैं, अब उसका मेहनत का फ़ायदा आप लोग उठाइए। सारी आरओ की प्लेलिस्ट दी हुई है, फुल प्लेलिस्ट भी दी हुई है, टेस्ट सीरीज वाली भी दी हुई है, इतने सारे टेस्ट करा रहे हैं, आप लोग अटेम्प्ट करते हो, करा करो यार, पीसीएस के लिए देख लीजिए, फुल पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब बनाई हुई है आप लोग के लिए, आप करिए उसमें पार्टिसिपेट। आप लोग की ये थी कि भैया लॉकडाउन है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रेस में है स्टूडेंट, मैंने इसीलिए इंस्टाग्राम में क्या कराया है कि जो भी हमारी जैसे मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ होती है प्लस जो हिंदी की आरओ वाली जो पीडीएफ है, वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे स्टोरी में देने लगा हूँ, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं वहाँ पे। बाकी डेली हम लोग टेलीग्राम में 50 की क्विज कराते हैं, टॉप 50, पार्टिसिपेट करो ना यार, क्यों जो है इधर उधर परेशान हो जबरदस्ती, पढ़ाई करिए आप। अरे मान लो एक दिन दो दिन, अभी देखिए आप इस चक्कर में आपने ये पर्सनली फील किया कि नहीं, इन लोगों पे विश्वास करके आप पिछले एक हफ्ते से परेशान हैं, डेली यही कमेंट्री करी जाती है कि बस थोड़ी देर में आयोग से कैलेंडर चल चुका है, बस उसने टेम्पो कर ली है, बस वो रास्ते में पेप्सी पी रहा है, बस उसने वहाँ से चाट खाई, और बस वो कैलेंडर जो है आ रहा है अब तक, ये पिछले 6-7 दिन से हो रहा है, और इसके जिम्मेदार आप लोग खुद भी हैं। अरे वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो। अरे क्या एग्जाम की डेट ही जान के सिलेक्शन ले लोगे क्या? एग्जाम की डेट जब होने की हो जाएगी। आरओ के लिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो है पोस्टपोन होने के चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 अगस्त को कर दिया तो क्या करोगे? तो इसलिए सारी संभावनाओं को देखते हुए 1 अगस्त को ही मान के आरओ की तैयारी करिए। वैसे डेट बढ़ने के चांसेस फिर भी ज्यादा है, मैं कहूंगा पीसीएस के लिए अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, ये टाइम को वेस्ट मत करो, मतलब वरना टाइम बदला लेगा फिर, ठीक है। पढ़िए आराम से, फ्री रिसोर्सेज दिए हैं, कोई पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना, देखिए पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है तो पीडीएफ के लिए करना पड़ेगा,
पर्सनल गाइडेंस के लिए, डाउट क्लियरेंस के लिए, पर्सनल जो हमारी पेड कुछ के लिए, बाकी जो हमारी पीडीएफ होती हैं उन्हीं पे हम वीडियो बनवा देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो है पीडीएफ को अपडेट भी कर दिया जाता है तो वो हम पेड ग्रुप में देते हैं, लेकिन हम उसको भी किसी ना किसी तरह से फ्री टेलीग्राम में कभी पिक्स दे देता हूँ, वीडियो बनवा देता हूँ। लगातार अगर आप फ्री टेलीग्राम हमारा फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी सारे आपको जो है ज्ञान का संवर्धन हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, लगे रहिए लगातार, ऑल द बेस्ट है। जय। देखिए, ये आपको आरओ की पूरी मंथली करंट अफेयर की दे दी, स्ट्रेटजी वीडियो दे दिया, फुल प्ले दे दी, टेस्ट सीरीज दे दी, इवन मेंस तक का दे दिया है। ये देखिए यूपीपीसीएस का भी सब दे रखा है, स्ट्रेटजी वीडियो प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, प्री की टेस्ट सीरीज सब दे रखा है। आप जो है इसको पढ़िए लगातार, इन सब चीज़ों को यूज़ करिए। देखिए, ये वाला टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी यहीं पे मिलेगी। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7386926618। ये SCS डेली क्विज करके क्विज चैनल है, डेली इसमें 50 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिएगा।